गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 101। ओके, पेज नंबर 101 में देखो, नामों की जगह आने वाले शब्दों पर सही, ये काय का निशान है? सही का निशान है, तो हमें काय का सही का निशान लगाओ। ओके, अब जैसे हमें बोलने से ही पता चल रहा है बच्चों, नामों की जगह है ना, नामों की जगह जो शब्द हम बोलते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, है ना। जिनमें नाम आता है वो तो संज्ञा कहलाता है, किंतु नाम की जगह जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। मान लो आपका नाम राकेश है ना, तो मैंने बोला ये किताब राकेश की है, तो इसमें राकेश अगर मैं नाम ले रही हूँ बच्चों, तो ये संज्ञा शब्द है। और अगर मान लो मैंने बोला ये किताब उसकी है, तो ये हो जाएगा सर्वनाम, है ना। नामों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, किंतु जहां पे हम नाम लेते हैं वो संज्ञा हो जाते हैं। तो नाम वाले जो शब्द रहते हैं बच्चों वो संज्ञा होते हैं, और नाम की जगह है ना, नाम की जगह जैसे मैं, मेरा, इसका, उसका, तुझको, मुझको, ये जो शब्द हम यूज करते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये सर्वनाम हो जाते हैं। सर्वनाम में बच्चों हम नाम नहीं लेते हैं, है ना, नाम की जगह उसका कुछ भी उपयोग करते हैं पर हम नाम नहीं लेते हैं, तो वो हो जाते हैं सर्वनाम। अब संज्ञा में हम नाम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर वाली लाइन में मैंने क्या लिखा है, बंदर, फिर लिखा है तुम, और फिर लिखा है घड़ी, है ना। तो बंदर, तुम और घड़ी, ये मैंने तीन विकल्प लिखे हैं बच्चों, और हर विकल्प के आगे जैसा कि आपको दिख रहा है बॉक्स बना हुआ है, इसके आगे का ये वाला बॉक्स है और इसके आगे का ये वाला बॉक्स है। ओके, किंतु अगर मैंने घड़ी लिखा है तो इसके आगे मैंने ये वाला बॉक्स बनाया है। पहली लाइन में तीन विकल्प हैं, किंतु इनमें से एक ही उत्तर सही रहेगा बच्चों, है ना, तीनों सही नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें काय पे सही का निशान लगाना है, हमें नामों की जगह, नामों की जगह, तो बंदर क्या हो गया, नाम हो गया, है ना, और घड़ी क्या हो गई, एक वस्तु का नाम हो गया, किंतु तुम कोई नाम नहीं है। ये बच्चों हम नाम की जगह उपयोग में ला रहे हैं, तुम को हम नाम की जगह में उपयोग ला रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, तुम, इसमें कोई नाम नहीं है। बंदर में नाम है, घड़ी में नाम है, किंतु इसमें कोई नाम नहीं है, तो हम राइट, इसमें राइट का निशान किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे बच्चों, ये देखो ऐसे, है ना, ये मैंने राइट का निशान लगाया, तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया तुम। अब उसी प्रकार उसके नीचे देखो, हमारा है ना, पहले में मैंने लिखा है हमारा, कछुआ और तालाब, हमारा, कछुआ और तालाब, तो कछुआ भी नाम है, कछुआ एक जीव का नाम है, तालाब भी नाम है ना, तालाब भी नाम होता है, किंतु वहां पे क्या है, हमारा, हमारा का कोई नाम नहीं है, हमारा हम सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, नाम की जगह हम यूज करते हैं, तो हम राइट का निशान किस में लगाएंगे बच्चों, हमारा में, है ना, ये हमारा में मैंने निशान लगाया, इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है, कछुआ भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, हमारा है, ये सर्वनाम होते हैं। अब उसके नीचे देखो, पेड़, सबसे पहले क्या लिखा है, पेड़, उसके बाद है मैं, और फिर चिड़िया, तो पेड़ भी नाम होते हैं, है ना, वृक्ष, पेड़, ये तो सुने हैं बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, पेड़ भी नाम में आता है, चिड़िया भी एक पक्षी का नाम है, पेड़ भी नाम है और चिड़िया भी नाम है, किंतु मैं कोई नाम नहीं है, है ना, जैसे कि मैं, हम, हमारा, तुझको, मुझको, ये सब नाम की जगह यूज करते हैं, तो नाम की जगह पे अगर हमें राइट लगाना है तो हम किस में लगाएंगे, मैं में लगाएंगे, है ना, तो ये हो गया बच्चों मैं, ये।
इसमें राइट का निशान लगाया, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया इसमें, में। अब उसके बाद देखो सबसे नीचे है मैदान, हमने मैदान में सबसे आगे लिखा है मैदान, मैदान के आगे बॉक्स बना है, फिर लिखा है गेंद, है ना, गेंद, गेंद के आगे भी बॉक्स बना है, और उसके बाद है उसका मैदान, जहां पे हम खेलते हैं, जहां पे मेला लगता है उसको बोलते हैं मैदान, उस जगह का नाम है बच्चों, है ना। बड़े बड़े जो होते हैं खेल के मैदान, अपने नरसिंहगढ़ में मेला भी लगता है मैदान में, है ना, तो उसका नाम क्या हो गया, मैदान। और गेंद, गेंद तो आप लोग जानते ही हो बच्चों, गेंद जिससे हम खेलते हैं, छोटी छोटी जो गेंदे रहती हैं, गेंद उससे हम खेलते हैं, तो वो जो गोल गोल रहती है फेंक के खेलते हैं उसका नाम क्या है, गेंद, यानी एक खेलने की गोल गोल छोटी सी रहती है फेंक के खेलते हैं उसका नाम है गेंद, और जहां पे हम खेलते हैं वो होता है मैदान। तो ये और ये दोनों नाम हो गए, किंतु उसका, उसका कोई नाम नहीं है, ये फिर हम नाम की जगह उपयोग में ला रहे हैं, है ना, उसका कोई नाम नहीं है, तो हम काय पे राइट का निशान लगाएंगे, नाम की जगह, नाम की जगह आएगा उसका। तो बच्चों ये थे हमारे कि नामों की जगह आने वाले शब्दों पर राइट का निशान लगाओ। सबसे ऊपर लिखा है बंदर, तुम और घड़ी, तो बंदर और घड़ी तो नाम हो गए, किंतु तुम कोई नाम नहीं है, ये हम नाम की जगह इस शब्द को ले रहे हैं, तो हमारा सही आंसर है तुम। उसके बाद है हमारा कछुआ, तालाब, कछुआ भी नाम होता है और तालाब भी, किंतु हमारा, ये हम कोई से भी नाम की जगह यूज कर रहे हैं हमारा, तो इसमें हमारा सही आंसर है हमारा। अब इधर देखो पेड़, में और चिड़िया, पेड़ भी नाम है और चिड़िया भी नाम है, नाम की जगह कौन सा शब्द आ रहा है बच्चों, में, तो हमने सही का निशान किस में लगाया, में। इसी प्रकार है मैदान, गेंद और उसका, तो मैदान और गेंद ये तो नाम हो गए, किंतु उसका कोई नाम नहीं है, ये हम नाम की जगह ले रहे हैं, तो इसमें हमने ये वाला सही का निशान लगाया है। ये हो गए हमारे नाम की जगह आने वाले शब्दों पर सही का निशान लगाओ, किंतु इसको हम बहुवचन में कैसे बोलेंगे, है ना, कोई कोई शब्द होते हैं जिनको हम बहुवचन में भी बोलते हैं, तो इनको बहुवचन में बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैं की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम, है ना, मैं हो जाता है एक और हम हो जाते हैं एक से ज्यादा, तो मैं की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम। अब उसके नीचे लिखा है बच्चों हमें, उसके नीचे लिखा है हमें, है ना, तो वह हो जाएगा, वह, हम की जगह क्या हो जाएगा, हमें, अगर हम है तो फिर हम यानी एक और हमें यानी एक से ज्यादा, ठीक है। मान लो ये गलत हो जाता है, ये मैंने गलत लिखा है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, मैं की जगह, तो हम मैं का एक के लिए होता है किंतु हम एक से ज्यादा के लिए, उसी प्रकार हो जाएगा वह यानी एक और वे यानी एक से ज्यादा, ये होते हैं बेटा बहुवचन, है ना, वह यानी वे, वह एक और एक से ज्यादा हो जाएगा वे, किंतु यह एक और ये यानी एक से ज्यादा, तो इनको बोलते हैं बहुवचन, जैसे कि तुम, तुम्हारा, इसका, उसका, ये एक वचन में भी आता है, तो बच्चों ये बहुवचन में भी आता है, है ना, इनके हम बहुवचन भी लिख सकते हैं। तो ये थे नामों की जगह आने वाले शब्द, नामों की जगह हम कई बार अपनी भाषा में यूज करते हैं, ये उसका है, वो आ रही है, वो वहां पर बैठी है, तो इसको बोलते हैं हम नामों की जगह, है ना, इसका नाम की जगह पे बहुत महत्व होता है, ये तो हम अपनी कितनी भाषा में कितनी बार ही बोल पड़ते हैं,
मम्मी ये उसका है, ये मेरा है, कई बार हम पूरा पूरा अपना नाम नहीं लेते हैं, है ना। नाम की जगह जो शब्द यूज करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और फिर उसके बाद इनके बहुवचन भी होते हैं, जैसे कि ये नीचे लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये नामों की जगह आने वाले शब्द अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।